झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र झालावाड़ 12 से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी श्रीमती उर्मिला जैन भाया द्वारा अपने चुनावी जनसंपर्क अभियान के तहत आज ब्लॉक मनोहर थाना के गांवों में अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर जनसंपर्क किया गया। जनसंपर्क के दौरान उर्मिला जैन भाया को गांवों में व्यापक जन समर्थन मिल रहा है तथा उनका गांव-गांव में माल्यार्पण, आतिशबाजी कर भव्य स्वागत सम्मान किया जा रहा है। भाया द्वारा जनसंपर्क के दौरान कामखेड़ा बालाजी मंदिर पहुंचकर बालाजी महाराज के दर्शन किए। ग्रामीण महिलाओं के आग्रह करने पर उनके साथ उर्मिला भाया द्वारा नृत्य किया। जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान उर्मिला जैन भाया ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा आमजन के विकास में कोई कमी नहीं छाई दी तथा कोरोना महामारी के बावजूद आमजन के लिए अनेकों जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की गई। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, लेकिन भाजपा केवल झूठी बयानबाजी में विश्वास रखती है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वर्ष 2014 में कहा था कि देश के प्रत्येक व्यक्ति के बैंक खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार दिया जाएगा, महंगाई को कम करेंगे, किसानों की आय 2 से 4 गुना बढ़ाएंगे, लेकिन एक भी वादा उनके द्वारा पूरा नहीं किया गया। किसानों को आज अपनी उपज का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, युवा बेरोजगार होकर मारे मारे फिर रहे हैं, देश की संपत्ति को निजी हाथों में दिया जा रहा है तथा केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग कर भय एवं डर का माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है। भाया ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर विजयी बनाने की अपील की गई। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज़, ये रिपोर्ट है हमारे संवाददाता फिरोज खान की।